थ्री टाइम्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थ्री टाइम्स 15 ईयर्स की रिग्रस इम्प्रिजनमेंट जिसको कैदे बामुशक्कत कहते हैं, और डेथ सेंटेंस। कोर्ट ने जिसके बारे में कहा कि इसने ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी किया है, कोर्ट ने जिसके बारे में कहा कि ये और कुछ डिजर्व नहीं करता, ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। कोर्ट ने जिसको इनह्यूमन कहा और कहा ये जानवरों से भी बदतर है क्योंकि जानवर भी बच्चों का रेप नहीं करते। इस केस में हम एक ऐसे इंसान की स्टोरी अनकवर करेंगे जो बच्चों को किडनैप करके, उनका रेप करके, उन्हें अब्यूज करके, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके डार्क वेब पे बेच के पैसे कमाता था। काफी बॉयज जो हैं उनके साथ जो है सेक्स किया है। यूके में मेरी कन्विक्शन भी थी, सजा काटी, एक्सट्राडाइट हुआ था। तो चार रोज से इसने 13 साल बच्चे को अपने पास रखा हुआ था, जिसकी मां चार रोज तक मुख्तलिफ दरों पर भटकती रही, शोर करती रही। हमारा मुल्क सर अब बदनाम हो रहा है चाइल्ड अब्यूज की वजह से, कि ये सुहेल अयाज कैसे यहाँ आया, किसने अपॉइंट कराया, किसका नुमाइंदा था, और आपने पहले इसको वर्ल्ड बैंक पे डाल दिया, इसको किसने रखा, कौन इसका सिफारशी है, और बराबर का मुजरिम है। और तो वर्ल्ड बैंक अपने हाथ धो नहीं सकता इस क्राइम से। जनवरी 2008 में सुहेल हयाज एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट बुक कीपर था जो 2 ईयर्स के वर्क वीज़ा पे यूके आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें पता चलता है कि यूके आके उसने एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेफ द चिल्ड्रन में काम करना शुरू किया एज अ ग्रांट्स मॉनिटरिंग ऑफिसर। इसी दौरान जब वो यूके में काम कर रहा था तो इटली में एक पेडोफाइल अरेस्ट हुआ। उसने अरेस्ट होने के बाद बताया कि एक पाकिस्तानी आदमी अयाज है जिसने मुझे 15 रोमेनियन बच्चों का नाम दिया था जो कि अब्यूज होने थे। अब जब पता चला कि अयाज जो है वो यूके चला गया तो इटली की पुलिस ने यूके की पुलिस से रابطہ किया कि आपके पास एक ऐसा बंदा आया है यूके में जो कि मुलव्विस है इस पेडोफाइल गैंग के साथ। यूके की पुलिस ने सुहेल अयाज की सर्वेलेंस स्टार्ट कर दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और मैटर की इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। अयाज के कनेक्शन और पेडोफाइल्स के साथ भी थे पूरी दुनिया में, और वो डार्क वेब सोशल नेटवर्क से कनेक्टेड था जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सचेंज करते हैं पैसों के लिए। फरवरी 2009 में अयाज को स्कॉटलैंड यार्ड के पेडोफाइल यूनिट ने अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ इनडिसेंट वीडियोस और पिक्चर्स थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो कि डार्क वेब पे वो बेचता था या डार्क वेब से उसने खरीदी हुई थी। ये आर्टिकल देखें गार्डियन का, इससे पता चलता है कि कुछ बच्चे तो 6 माह के भी थे, और जो यंगस्टर्स थे वो बेचारे डिस्ट्रेस्ड थे, कुछ लटकाए हुए थे, बांधे हुए थे, और वो सैडोमैसोकिस्टिक हरकतों का शिकार थे। सैडोमैसोकिज्म के ऊपर एक और वीडियो भी मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी, वो एल्बर्ट फिश के ऊपर थी जो कि सैडोमैसोकिस्टिक एक्ट्स बच्चों के साथ करता था और बच्चों को पका के खा जाता था उनको सेक्सुअली अब्यूज करने के बाद। ये आर्टिकल देखें, इसमें पीटर जिनर ये बताता है जो कि प्रोसिक्यूटर था अयाज के केस में, कि अयाज का नाम हमें इंक्वायरी के दौरान पता चला था जब एक नॉर्वेजियन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुआ था वो जो इसी पेडोफाइल रिंग का बंदा था। अयाज ने उसको एक कॉन्टैक्ट दिया था रोमेनिया जो कि 15 बच्चे देने वाला था बड़ों के लिए ताकि वो उनको अब्यूज कर सके। अयाज ने ये इन्फॉर्मेशन इटली में भी एक बंदे को दी थी जो कि ऑलरेडी चाइल्ड सेक्स ऑफेंसेस के ऊपर ट्रायल जिसके ऊपर वो चल रही थी। ये आर्टिकल हमें ये भी बताता है कि अयाज लाइक माइंडेड लोग जो थे इसी तरह के पेडोफाइल जो थे उनके साथ सिर्फ यूके में इन कॉन्टैक्ट में नहीं था बल्कि पूरे यूरोप में, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट में भी उसके कनेक्शन थे पेडोफाइल्स के साथ। अयाज ने उसके बाद कन्फेस किया कि हाँ उसने एक 14 साल के बच्चे का रेप किया था और उसकी मूवी बनाई थी, रिकॉर्डिंग की थी और डार्क वेब पे बेची थी, लेकिन ये रेप उसने इंग्लैंड में नहीं किसी और मुल्क में किया था और लीगल रीजंस की वजह से उस मुल्क का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये आर्टिकल देखें, इस आर्टिकल से हमें ये भी पता चलता है कि अयाज के पास 397 इनडिसेंट पिक्चर्स और वीडियोस थी बच्चों की जो इसी पेडोफाइल नेटवर्क से डार्क वेब से उसने गैदर की हुई थी। इसी दौरान जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अयाज जब अरेस्ट हुआ था यूके में, तो इटली में भी उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल हो गया क्योंकि इटली में भी लोगों ने उसका नाम लिया हुआ था जो इसी पेडोफाइल नेटवर्क के मेंबर्स थे और अरेस्ट हुए थे। इंग्लैंड के क्राउन कोर्ट ने उसको 4 ईयर्स की जेल सेंटेंस की और साथ उसको सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर के अंदर भी उसका नाम ऐड कर दिया। सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर, अगर आपको नहीं पता, तो एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा रजिस्टर, एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें अगर आपका नाम आ जाए तो आप कभी भी ऑपोजिट जेंडर के बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। अब इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक हाफ ऑफ द सजा जो है वो आपको काटनी होती है और उसके बाद आपको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, तो 2 साल जेल उसने वहाँ काटी और उसके बाद उसको डिपोर्ट करके इटली भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी थोड़ी सजा क्यों, तो ये याद रखें कि इंग्लैंड में उसने कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ नहीं किया था। जो इंग्लैंड में उसको सजा मिली थी वो उसके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट होने की वजह से मिली थी और उसकी इन्वॉल्वमेंट विद पेडोफाइल नेटवर्क, इस वजह से उसको सजा मिली थी। अब वो इटली चला गया डिपोर्ट होकर, इटली जाके वो अरेस्ट हुआ, इटली में जाके भी उसने कुछ माह की सजा काटी और उसके बाद उन्होंने उसको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया। अब यहाँ पे लगता तो ऐसे ही है कि बस ठीक है, वो पाकिस्तान वापस आ गया, सजा उसने काट ली और स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्टोरी अभी शुरू ही नहीं हुई।
स्टोरी तो अब शुरू हुई है और उसके मेन क्राइम्स तो सारे हुए ही पाकिस्तान में थे। अब जब अयाज पाकिस्तान वापस आया था 2014 में, उसने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, और साथ के साथ वो वर्ल्ड बैंक में भी काम करता था और ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया वो सैलरी लेता था। अब सिवाय इस चीज़ के कि वो अब एक नई ज़िंदगी शुरू करता और वो जितनी भी सज़ाएँ वगैरह उसने काट ली हैं उन्हें भूल के ख़त्म करके सब कुछ नया स्टार्ट करता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर का जो हैवान था वो तो अभी भी उसके अंदर ही। तो अयाज ने क्या किया कि अयाज ने बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया जिनकी एज ऑलमोस्ट 12 से 18 ईयर्स तक थी, और ये सारे बेचारे वो वल्नरेबल बच्चे थे जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, जो कोई किसी दुकान में ऐसा छोटा काम कर रहा है, कोई बेचारा रात को अंडे बेच रहा है, कोई कहवा बेच रहा है, इस तरह के बच्चों को वो जॉब की लालच दे के, पैसे की लालच दे के धोखे से अपने घर ले जाता था। घर ले जाके उनको आइस का नशा कराता था, इंटॉक्सिकेट करने के बाद उनको अब्यूज़ करता था, उनका रेप करता था, उन्हें बांध देता था, लटका देता था, जुल्म करता था उन पर, और इन सारी चीज़ों की वो मूवी बनाता था और मूवी बना के वो डार्क वेब पे बेचता था पैसे कमाने के लिए अपने दूसरे पीडोफाइल नेटवर्क के साथ। और ये सारे रेप वगैरह करके फारग होने के बाद वो एक और इंसान को बच्चे दे देता था जिसका नाम था ताहिर खुरम, जिसको काला कहते थे, और वो काला भी बाद में उन बच्चों का रेप ही करता था। काला, उम्र बता दी सर। आज आपके साथ एक लड़का था, ये कहाँ से आपने लिए? मैं ये टोल से सर, टोल से सर, आधा वर्ष से है जी सर। दरबार में ये पेशावर में बताता है, आइस बेचता है, पाउडर बेचता है, आप भी तक बच्चों को बुलाता है। आपने इससे कितने बच लिए हैं तक? मुझे से 2-3 दिए सर। अब उसके नेबर्स की तरफ से काफ़ी डिफरेंट किस्म की कंप्लेंट्स जाती रहीं पुलिस को कि वहाँ से बच्चों की चीखने की और रोने की आवाज़ें आती हैं, और पुलिस पहले से थोड़ी सी अलर्ट थी इस चीज़ को लेके कि ऐसा क्या चीज़ है, क्यों इस तरह की आवाज़ें आती हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक 13 साल का बच्चा वहाँ से भाग निकला अयाज के घर से, जो कि अयाज उसको किडनैप करके ले आया था। वो भागा घर गया और उसने सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। माँ ने इस बात का फ़ौरन एक्शन लिया और वो भागी पुलिस स्टेशन में, और पुलिस ने 14th of November 2019 को अंडर सेक्शन 367A, 337, 337J, 363 और 292C पाकिस्तान पीनल कोड के तहत FIR दर्ज कर दी। उसके बाद 2019 में ही अयाज को पुलिस DHA Phase 8 रावलपिंडी से अरेस्ट करती है, जो कि उसका घर था, और वहाँ से एक 14 ईयर्स का एक और बच्चा बरामद होता है जिसको आइस दे के नशा कराया हुआ था, जिसको बाद में सोडोमाइज अभी करना था। सोडोमी का मतलब होता है अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना, जो वो बच्चों के साथ करता था। बच्चे को पुलिस हॉस्पिटल लेके आती है, और हॉस्पिटल लाने पर डॉक्टर उन्हें ये बताते हैं कि हाँ, बच्चे के साथ सोडोमी हुई है, उसके साथ इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। और पंजाब फोरेंसिक्स लैब वाले ये भी बताते हैं कि विक्टिम का जो DNA है वो सस्पेक्ट के साथ मैच कर गया है, और उसी ने अयाज सुहेल ने ही इसका रेप किया है। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अयाज ने अरेस्ट होने के बाद खुद ही कन्फेस कर दिया था कि हाँ, उसने रेप किया है इन बच्चों का। मैडम, सुहेल अयाज है, मैं अवामी विला 2 Phase 8 में रहता हूँ, और बॉयज में मुझे इंटरेस्ट है, गे हूँ, काफ़ी बॉयज जो हैं उनके साथ जो है मैंने जो है सेक्स किया है। कुछ बॉयज़ जैसा हमजा है, अहमद, फराज, सरमद, इस तरह थे। आदिल जो है वो मेरे पास काम करता था, वो जो है फिर काले के पास चला गया। लास्ट टाइम किसके साथ सेक्स किया? लास्ट टाइम दोस्त था किसके साथ। क्या नाम है उसका? जवान। अब जब अयाज अरेस्ट हुआ और न्यूज़ बाहर फैली तो बहुत से लोग प्रोटेस्ट में बाहर निकल आए, और विक्टिम्स जो चुप करके बैठे हुए थे बेचारे वो भी बाहर निकल आए, और उन्होंने स्विफ्ट जस्टिस की डिमांड की कि इसको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द दी जाए। अयाज ने ये कन्फेस किया कि उसने मोर देन 30 बच्चों का रेप किया है, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके कंप्यूटर से 1 लाख से भी ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोज़ रिकवर हुई जो इसी तरह डार्क वेब में बच्चों के साथ रेप करने की थी, जिसमें अयाज ने खुद ही बच्चों के साथ रेप किए हुए थे। अब प्रोसिक्यूशन ने डिमांड किया कि उसको डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, और डिफेंस में उसके फादर थे सुहेल अयाज के, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जितने भी इल्ज़ाम हैं ये सारे बेबुनियाद हैं, बेसलेस हैं, और इसको छोड़ देना चाहिए, ही इज़ इनोसेंट। और एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, जो कि एक डेथ सेंटेंस था। कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस सुनाया, कोर्ट ने उसको 3 times लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाई, कोर्ट ने उसको 3 times 15 साल की रिग्रस इंप्रिजनमेंट सुनाई, और 4.5 million रुपीज़ उसको फ़ाइन भी किया, और साथ ये भी उसको फ़ाइन किया कि वो 500,000 यानी 5 लाख हर उस बच्चे की फैमिली को देगा जिस बच्चे के साथ उसने ज्यादती की है। और ताहिर जो उसका एकॉम्प्लिस था, जिसको काला भी कहते थे, उसको 7 years की इम्प्रिजनमेंट हुई, रिग्रस इम्प्रिजनमेंट, कैदे बामशक्कत, और 3 लाख रुपए का उसको फाइन हुआ। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई। इस न्यूज़ को सिर्फ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने कवर नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया। ये इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई, इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई कि हर दुनिया का हर न्यूज़ चैनल इसके बारे में बात कर रहा था, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इवन पार्लियामेंट तक ये बात पहुँच गई।
भी पार्लियामेंट ने बाद में इसके ऊपर डिस्कशन की और बाद में ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान में भी एक इस तरह का सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर बनना चाहिए, जो कि बाद में बनाया भी गया और वो इसी केस के बाद बनाया गया था जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, स्कूलों में जा जाके बच्चों को एजुकेट किया, पेरेंट्स को एजुकेट किया। हमने चाइल्ड अब्यूज़ का अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्कूल में जाके कर रहे हैं। आई माई सेल्फ एम गोइंग टू ऑल दिस गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली, जिधर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, इकट्ठे हम उनको इंगेज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इनफ है? इज दिस ऑल इनफ? क्या इसके बाद पाकिस्तान में चाइल्ड रेप और इस तरह की अबडक्शंस खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। मसला अभी भी है और जो मसले की रूट कॉज है वो यही है कि गुर्बत बहुत है, ये बच्चे बेचारे वल्नरेबल हैं, इनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो सेक्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है जब बेसिक एजुकेशन से महरूम है ये बच्चे। जब तक ये इकॉनमी और ये स्टेबिलिटी नहीं आती इस मुल्क में, तब तक ये बेचारे वल्नरेबल बच्चे इसी तरह जलील होते रहेंगे और ये इजी टारगेट बनते रहेंगे याज जैसे लोगों का। अगर आप अभी तक ये क्राइम स्टोरी देख रहे हैं और आपके क्राइम स्टोरी पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी किसी ऐसी क्राइम स्टोरी का पता है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी स्टोरी देखने में इंटरेस्टेड हैं जो कि एक लव स्टोरी थी लेकिन बाद में क्राइम स्टोरी बन गई तो इधर क्लिक करें। अगर आप ऐसी क्राइम स्टोरी देखने में इंटरेस्टेड हैं जिसमें एक लड़का गे लड़कों के साथ सेक्स करके बाद में उनका मर्डर कर देता था तो इधर क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी बहुत सी थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज आने वाली हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्राइम स्टोरी पे। बाय बाय।